iota. Glasses. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 9 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 आर एस अग्रवाल की बुक से, नए बुक से, यानी कि 2020 के एडिशन से. सर चैप्टर का जो नाम है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के सारे सारे एग्जाम्पल्स और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है. अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का क्वेश्चन के साथ में हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा. आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ बाइसाइकिल विल मूव 5000 रिवोल्यूशन, ठीक है, इन मूविंग 11 किलोमीटर. बोल रहा है कि एक बाइसाइकिल है जो कि 11 किलोमीटर मूव कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि 11 किलोमीटर मूव करने में वो 5000 बार वो चक्का कंप्लीट रोटेशन लेता है. 5000 टाइम्स वो कंप्लीट रोटेशन ले रहा है वो व्हील. चलिए, तो बोल रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील. तो व्हील का डायमीटर निकालिए कि व्हील का डायमीटर क्या होगा. अच्छा, तो एक क्वेश्चन हम लोग एक इसका जो है हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था. क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि हमें दिया हुआ टोटल डिस्टेंस ये हो गया हमारा, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ये दिया हुआ हमें. तो हम लोग क्या करते हैं कि 11 किलोमीटर में 5000 बार वो मूव कर रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या कि आखिर एक बार वो मूव करेगा तो कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा. बात समझ में आ रही है ना. इसको आप चाहो तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में से बना, यूनिटरी मेथड से बना सकते हो. कैसे, देखो सॉल्यूशन. देखो, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का निकाल लेते हैं कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना बार वो मूव करेगा. तो चलो, एक मैं यहाँ लिखता हूँ कि इन 5000 रिवोल्यूशन a bicycle covers 11000 है ना, 11 किलोमीटर है. किलोमीटर को आप एक काम करो, सेंटीमीटर में चेंज कर दो. तो किलोमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया, अब ये मीटर में चेंज हो गया. अब मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर में. देखो, 11 किलोमीटर था पहले हमारा, किलोमीटर को चेंज किए मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 3 जीरो, तो 3 जीरो हो गया. अब उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया हमारा सेंटीमीटर में चेंज. चलिए, अब क्या हो गया ये हमारा कि इतना सेंटीमीटर कवर कर रहा है, कितने बार में, 5000 रिवोल्यूशन में. तो देयरफॉर इन वन रिवोल्यूशन अ बाइसाइकिल कवर कितना हो जाएगा हमारा, तो 11000 और सेंटीमीटर बाय हो जाएगा हमारा क्या, 5000. तो यहाँ डाल दो 5000, तो ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो से कैंसिल हो गया हमारा, 5 से ये कट जाएगा, काटो 5 1 5 और इसको काटूंगा तो 5 2 10 1 इसमें चला गया, तो फिर 5 2 10, ठीक है, ये जीरो आ गया, यानी कि इतना, यानी कि कितना हो गया हमारा के 220 सेंटीमीटर कवर करेगा वन रेवोल्यूशन में. तो एक रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि सर्कमफेरेंस ऑफ दैट व्हील, ठीक है ना. चलिए, तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है, व्हील का जो सर्कमफेरेंस होगा हमारा व्हील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि वन रेवोल्यूशन ऑफ बाइसाइकिल, ऑफ अ बाइसाइकिल. तो अब देखो, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू, वन रेवोल्यूशन में कितना आ रहा है हमारा, है ना, तो वन रेवोल्यूशन में हमारा हो रहा है क्या कि 220 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा हमारा कि 220 सेंटीमीटर. चलिए, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा फाइनली हमारा कि 2 × π का वैल्यू हो गया 22/7, ओके, × r इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर. और यहाँ से r हम लोग निकालेंगे, तो देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये आपका 220 है, तो 220 सेंटीमीटर अपऑन में क्या हो जाएगा हमारा, ये 22 नीचे आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 2 × 22 नीचे आ गया, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 ऊपर आ गया, ठीक है. चलिए, इसको जब अपन कट करेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में,
तो ये हो जाएगा जीरो आ गया है ना। उसके बाद ये इसको काटो, फिर ये हो जाएगा फाइव से कटेगा, फाइव टू जै टेन, तो सेवन फाइव जो 35, यानी कि आर जो है हमारा वो फाइनली आ गया 35 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आर, यही निकालने के लिए कहा गया था। अच्छा ये तो आर आया, डायमीटर हमें बोला गया था, तो डायमीटर होता है 2R, तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना, तो 2 × 35 तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 70 सेंटीमीटर। चलिए तो यही हो गया हमारा डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ दैट बाइसाइकिल। ओके तो इजी था, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल था ये हमारा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो है होगी मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।